नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां आईटी पार्क देहरादून पहुंचकर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हो रही, आपको बताते चलें कि यहां पर पहुंचने के बाद में बारिश और नुकसान का जायजा भी लिया है। जनपद टिहरी और जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण भी किया। साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह भी मौके पर मौजूद रहे हैं। आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया है और साथ ही कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कुछ दिनों की राहत के बाद मंगलवार देर रात से मौसम ने फिर से करवट बदली है। मंगलवार देर रात से शुरू हुई बारिश बुधवार देर रात तक कभी भी हल्की तो कभी मूसलाधार रफ्तार से होती रही, तो कई जगह नदी नाले और रपटे उफान पर हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण हल्द्वानी में 45 घरों में पानी घुस गया और साथ ही इसको लेकर बारिश और नुकसान का जायजा भी लिया है। भारी बारिश को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई थी, जिसको लेकर यह आदेश भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चलें कि लगातार हो रही बारिश के बाद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो फिलहाल स्कूलों को बंद किया गया है और मूसलाधार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है, और जिसको लेकर आपको बताते चलें कि कई स्कूलों को भी बंद किया गया है। घनसाली के जखन्याली में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। इसी वजह से आपको बताते चलें कि घनसाली के जखन्याली में क्षेत्रीय विधायक जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। डीएम ने घबराए हुए लोगों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी भी घनशाली आपदा क्षेत्र का दौरा करेंगे। आसपास यहाँ पर जखन्याली और मेहलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था, उससे जखन्याली में 3 जनानी हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे रात बचाव कार्य कल रात से ही लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं। रुड़की में भारी बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। आपको बताते चले कि मकान के नीचे कई लोगों के दबने की सूचना भी मिली है। वहीं छत गिरने से 2 बच्चों की दबकर मौके पर मौत हो गई है। आधा दर्जन लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य भी शुरू कर दिया है। खबर रुड़की से है, जहां पर आपको बताते चलें कि घर की छत गिर गई, जिसके बाद कई लोगों के दबने की खबर जो है वो भी सामने आई है। 2 बच्चों की दबकर मौत भी हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला रुड़की का है और हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। आपको बताते चलिए कि खबर रुड़की से है, हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज भी जारी है, और वहीं 2 बच्चों की दबकर मौत भी हो गई है। केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीम बली के गदेरे में बादल फट गया है। बड़ी खबर इस वक्त की केदारनाथ से, जहां पर भारी बारिश से बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। बोल्डर मलबा आने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। मलबा आने से
150 से भी ज्यादा तीर्थयात्री फंस गए हैं और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि केदारनाथ में भीमबली के गदेरे में बादल फटा है। भारी बारिश के चलते ये बादल फटा, बोल्डर मलबा आने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। मलबा आने से 150 से भी ज्यादा तीर्थयात्री फंसे हुए हैं और जिनका रेस्क्यू भी किया जा रहा। फिलहाल किसी के हताहत होने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं खबर केदारनाथ से है, जहां पर अभी तक किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई। दरअसल आपको बताते चले कि केदारनाथ भीमबली के गदेरे में बादल फटा है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बोल्डर मलबा आने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त भी हो गया है। राज्य के कई क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश, जिस वजह से देर रात सचिव आपदा प्रबंधन से फोन पर बात कर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और राहत से बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त हुई है। पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। इसी के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया गया है। तो देहरादून में तो कोई खतरे का वो नहीं है ना ज्यादा? उधर रुद्रप्रयाग चमोली में सब ठीक है? इधर बुला केदार साइड में क्या स्थिति? उधर उत्तरकाशी वगैरह में? उधर नैनीताल में ज्यादा बारिश आ गई कि नदियां उफान पर है? अच्छा, और जागेश्वर वगैरह में बादल फटा है मैंने सुना था। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश होने के कारण विशेषकर अतिवृष्टि से केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग, गौरीकुंड, जंगलचट्टी, भीमबली और लिंचोली के क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर ऊपर पहाड़ी से पानी का तेज बहाव और मलबा पत्थर आने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। कई जगहों पर फंसे हुए यात्रियों और स्थानीय व्यक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए भी पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग की तरफ से आपको बताते चले कि तत्काल बचाव और रेस्क्यू कार्य किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा के पैदल मार्ग पर स्थित कई पड़ावों और पुलिस चौकियों पर नियुक्त पुलिस बल की तरफ से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ और जिला प्रशासन के कई विभागीय अधिकारियों के साथ उचित समन्वय जो है वो बनाकर रेस्क्यू उपकरणों के साथ में पहुंचकर रेस्क्यू कार्य करते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक नेता दूसरे नेता से आगे निकलने के लिए यात्रा में शामिल हो रहा, कार्यकर्ता अलग अलग नेताओं की नारेबाजी कर रहे हैं और इससे साफ है कि यात्रा वर्सेस की लड़ाई है। आपको बताते चलें कि एक बार फिर से केदारनाथ धाम चर्चाओं में बना हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर बीजेपी का पलटवार है। उन्होंने कहा कि पूरी लड़ाई वर्चस्व की है। यहां पर लगातार एक से बढ़ के एक नेता इस यात्रा में शामिल हो रहा है और ये सिर्फ लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में राजनीति भी देखने को मिल रही है। दरअसल हरिद्वार से इस यात्रा को निकाला गया और लोगों को बीच में जाकर लोगों से शामिल होने के लिए भी कहा जा रहा है।
जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने डेंगू पर रोकथाम के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की टीमों को फील्ड में उतारा गया है। साथ ही देहरादून में डेंगू के दृष्टिगत लगभग 14 संवेदनशील और ऋषिकेश में लगभग 8 संवेदनशील क्षेत्र पर शहर में डेंगू का प्रकोप ना फैले, इसके लिए सभी टीम अलग अलग जगह पर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम कर रही है। वहीं अब तक 75,000 से भी अधिक रूपये के चालान किए जा चुके हैं। सरकारी और निजी चिकित्सालयों में किट, दवाइयां आदि समुचित व्यवस्था की जा चुकी है। सभी स्कूलों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। करीबन 75,000 प्लस हमारे चालान, 75,000 रुपए का चालान हमारे द्वारा किया गया है। उसके अलावा जो हमारी लार्वा का जो हम लोग डोर टू डोर सर्वे करते हैं, वहाँ पे कुछ संवेदनशील एरिया जैसे ननुखेड़ा हो गया, बंगाली कोठी हो गई, नेहरू ग्राम हो गया, यहाँ पे जा जाके हमारी टीम, करीबन 14 एरिया हैं जो संवेदनशील है, वहाँ पे हमारी टीम जा जाके इंस्पेक्शन कर रही है और लोगों को भी अवेयर कर रही है कि जो पानी भर जाता है तो उसको उसका। जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिलाधिकारी सोनिका ने संज्ञान लिया है। शहर का जायजा लेते हुए डीएम आपदा कंट्रोल रूम पहुंची। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। डीएम ने जिले के तहसीलों और स्थापित कंट्रोल रूमों से क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते अधिनत सूचना की जानकारी भी ली है। संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है, भारी बारिश के चलते संभावित आपदाओं की दृष्टिगत अलर्ट रहें, साथ ही जलभराव की स्थिति त्वरित गति से राहत बचाव कार्य करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किया और बारिश के दौरान अलर्ट रहें और नदी नालों के किनारे कोई विचरण न करें, इस बात को लेकर गंभीरता से लेना सुनिश्चित करें। जनपद के बाजपुर क्षेत्र में लगातार तेंदुए की दस्तक देखने को मिल रही है। क्षेत्र के कई जगह पर सीसीटीवी में तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई हैं, तो कई जगह पर लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में तेंदुए को कैद कर लिया है। एक सीसीटीवी में पालतू कुत्ते के शिकार करने की लाइव वीडियो कैद हो गई जो तेजी से वायरल हो रही है। वहीं वन विभाग इन घटनाओं पर एकदम से सुस्त रवैया भी अपना रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे वन विभाग मार्गदर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। ऊधमसिंह नगर में तेंदुए कईयों को घायल कर चुके हैं। काफी लंबे समय से क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी भी बनी हुई है जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग के डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि टीम द्वारा गश्त करते हुए सर्च अभियान भी चलाया गया लेकिन तेंदुआ नहीं मिला है। जो भाजपुर क्षेत्र है उसमें दो स्थानों पर लेपर्ड के देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी और जब हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया तो हमने ये पाया कि एक क्षेत्र में तो तराई पश्चिमी वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और एक क्षेत्र में हमारे विभाग के द्वारा, हमारे प्रभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी क्योंकि खाली बाघ की उपस्थिति की प्रथम सूचना मिली है तो जो उसमें सुरक्षात्मक जो वो है, हमारे जो तरीका है काम करने का, अभी हम उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। क्षेत्र में ट्रैप कैमरा लगाना और लोगों को थोड़ा जागरूक करना कि किस तरीके से ऐसे माहौल में उनको रहे। हाल ही में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश जारी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि यात्री वाहनों में अब डस्टबिन होना अति आवश्यक है, जिसको लेकर परिवहन विभाग भी अब सख्त मोड पर है। दरअसल परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी को भी माने तो उनका कहना है कि जो भी यात्री वाहन उत्तराखंड के अंदर एंट्री करते हैं या फिर चारधाम यात्रा में जाते हैं सभी पर डस्टबिन होना अनिवार्य है। इसके लिए आदेश जारी किए गए, हालांकि पहले भी यह नियम था और सभी वाहनों के अंदर डस्टबिन होना अनिवार्य है लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद में इसको सख्ती से लागू कराया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखता है तो उस पर चलानी कार्रवाई भी हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग डस्टबिन को लेकर अब सख्त हो गया है, सभी चेक पोस्ट पर इसकी चेकिंग भी की जा रही है।
चालान तो एक पार्ट हुआ, आपने बहुत सही पॉइंट रखा है कि सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये नियम उत्तराखंड में लागू है। बहुत लोगों को नियम पता ही नहीं है, तो हम उसको क्या है कि जगह जगह जहां हमारे ग्रीन कार्ड बनते हैं, जहां ट्रिप कार्ड बन रहे हैं, जहां हमारे चेक पोस्ट हैं, हमारे ऑफिस हैं, सब जगह हम लोग इसमें जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं। इसमें हम मीडिया का भी सहयोग लेंगे, आपका भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहेगा लोगों को बताने के लिए कि भाई नया नियम लागू हुआ है। हल्द्वानी में चौराहों में रोड चौड़ीकरण के दौरान बड़ी संख्या में सालों पुराने पेड़ जद में आ रहे हैं, जिसके पीडब्ल्यूडी को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा है, लेकिन अब अधिकारी और प्रशासन की कोशिश के बाद में 44 चिन्हित पेड़ों को रिलोकेट करने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, इसमें जो हमारे 13 चौराहे हैं, इसमें पेड़ों की गिनती हुई थी कि उनको चौड़ीकरण की जद में जो भी आ रहे हैं उनको काटा जाए, लेकिन इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अनूठी पहल की गई कि हम जो हमारे प्राचीन पेड़ हैं जिनकी उम्र यहाँ पर लोकल लोग 100 साल भी बताते हैं, ऐसे पेड़ों को जो इस तरह की श्रेणी में हैं और जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। खास तौर पर ये हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़ जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस पर 40 पेड़ों का लिस्टिंग की गई। घनसाली टिहरी जनपद में घनसाली विधानसभा के जकनियाली में नौताड़ गदेरे में बादल फटने से गदेरे के पास में खुले होटल के बहाने बहने से आपको बताते चले कि मोयल गांव में घनसाली छिरबिटिया मोटा मार्ग को जोड़ने वाली पुलिया बह गई है, जिसको सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ रवाना हुई। विद्युत विभाग द्वारा शट डाउन भी किया गया, साथ ही जेसीबी रवाना कर दी गई है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। वहीं एक ही परिवार के 3 लोगों की मिसिंग की खबर थी, जिसमें 2 लोगों की बॉडी रिकवर की गई है और एक घायल है, उसे भी रिकवर कर दिया गया है। बेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे कि उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानी भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं उस पर भी ध्यान देंगे। उत्तरकाशी में मोरी के खसाड़ी गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मर्डर केस के पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों ने चीड़ की पट्टी से वार कर एक शख्स की हत्या की थी, जिसके बाद उसके शव को केदार गंगा में फेंका था। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये 2024 को वादिनी श्रीमती प्यारी देवी निवासी खरसाड़ी मोरी द्वारा थाना मोरी पर एक तहरीर दी गई कि उनके पति जिनका नाम गिरवीर सिंह है और वो 24 जुलाई 2024 को अपने खेतों की देखभाल कर रहे थे पोलाड़ी नामक तोप पर, और उस दिन रात में उनकी जो है बॉडी पास में गदेरे में मिली और उनके सर पे चोट लगी हुई थी। इसके बेसिस पे जो है ऐसा लगा कि इसको इनको किसी को इनको मार के वहाँ फेंका गया है, तो इसके बेसिस पे जो है अज्ञात कर्मचारी अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है। पौड़ी गढ़वाल जिले में भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए 1 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी की गई है। जिलाधिकारी ने भी कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया है। भारी बरसात को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और मौसम विभाग ने टिहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है।
मित्रदिन ग्राम लौका फार्म में पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद की हत्या का सितारगंज पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। वहीं एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि ग्राम लौका निवासी ने सितारगंज कोतवाली में तहरीर देकर एक शिकायत भी दर्ज कराई थी कि उसने अपनी मुर्गी फार्म पर काम करने के लिए करीब 2 साल पहले राम भरोसे रखा गया था। वहीं 20 से 25 दिन पहले सुमन कुमार को भी काम पर रखा गया था। दोनों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी। वहीं बदले की भावना से सुमन ने रात में सोते समय लालता प्रसाद की हत्या कर दी। हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही प्रयुक्त किए गए सीमेंट के पत्थर आदि को बरामद भी कर लिया गया है। रात्रि के घटना की जिसे हमें 3 जुलाई में सुबह हमें सूचना भी मिली थी कि एक नगेंद्र सिंह वादी हैं, इन्होंने सूचना दी थी, इनका पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लालता प्रसाद नाम के एक कर्मचारी थे, उनकी जो है हत्या की गई है। तो वादी द्वारा ही इसमें एक नामजद तहरीर दी गई थी, एक अभियुक्त की पहचान उनके द्वारा मतलब एक नामजद तहरीर देकर की गई थी। उनके यहाँ पे पूर्व में काम करने वाला सुमन कुमार एक कर्मचारी था जिसके ऊपर उन्होंने संदेह जताया था। तो जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे वो भी इसी तरफ अंदेशा जता रहे थे कि इसमें सुमन कुमार ही इन्वॉल्व होने की पूरी हमें आशंका थी। राजबुड़े में इतना ही, नमस्कार।